साले तू मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूँ, है यही कर दूंगा धरती में तेरे को, गर्दन भी नहीं दिखने दूंगा, जिंदा जला दूंगा तेरे को मैं, जिंदा समझ गया, कचुंबर बना दूंगा तेरा मैं, कचुंबर समझ गया, तू जानता नहीं है मेरे को। अबे इन्हीं के इलाके में खड़े हो गए, इन्हीं से पंगा ले रहा। अबे देख तो 6-6 फुट के कितने हट्टे कट्टे हैं, पेल देंगे हमें। अबे चुप, इलाका कुत्तों का है, शेरों का नहीं, और तेरा भाई शेर है, शेर समझ गया, है हिम्मत मेरे को हाथ लगाने की, है भाई हिम्मत, है लगाओ मेरे को हाथ, मैं देखूंगा तुमको, लगाओ। अबे साले तेरे को तो मैं बताता हूँ। कहाँ रह गया थप्पड़, आया नहीं। आ गई मेरी बहन। अच्छा अब समझ आया, इसी के दम पे कूद रहा था। और सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। हेलो, हाँ पापा, हाँ अभी आया, पापा का फोन आ गया, नहीं छोड़ता नहीं मैं तुम्हें। हाँ अरे बहन मेरे को पता था तू आएगी। तुझको कितनी बार बोला है, हैं? कि इन पंगों में मत पड़ा कर, समझ नहीं आती तेरे को, कितनी बार आओगे मैं तेरे को बचाने। चुपचाप घर वाले, अब ये कौन है नमूना? ये दोस्त है मेरा, पट्टा है। भैया जी। चल तू भी चलो। बहन तूने ना उन लोगों को मारा, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तूने हम लोगों को क्यों मारा? मैं ना तेरे को आखिरी बार समझा रही हूँ, ये बेफालतू के झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कब तक बचाने आऊंगी तेरे को, हाँ? तुम्हारी तरह नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती हूँ मैं, डाकू हूँ मैं, डाकू छुपके रहना पड़ता है मुझे। पर तुझे बचाने के चक्कर में अगर गलती से पुलिस वालों के हत्या आ गई मैं, तो मुझे तो जेल जाना पड़ेगा। वो अलग बात है, मैं जेल तोड़ के बाहर आ जाऊंगी, पर रिस्क क्यों लेना? हाँ सही बात है बहन, मेरे पास ना एक मस्त प्लान है, जिसके बाद ना ये जेल जाने का डर रहेगा और ना ये पुलिस का झमेला, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अमीर। ऐसा कौन सा प्लान है? हमारे शहर में ना एक बहुत बड़ा हीरे का ऑक्शन होने वाला है, उस ऑक्शन के लिए ना हमारे शहर में एक बेशकीमती हीरा है, हीरा, बस हमें वो हीरा चुराना है, उसके बाद हम उस हीरे को ब्लैक मार्केट में बेच देंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारा पैसा ही पैसा, और फिर हम दुबई में सेटल हो जाएंगे। ना उसके बाद तेरे को डाकू बनना, ना कोई पुलिस का डर, और मैं बता रहा हूँ दुबई में पोर्स भी ले लेंगे, क्यों भाई? आ भाई। प्लान तो तेरा सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, पर तू ये बता, तुझे ये पता है कि वो ऑक्शन है कहाँ? अरे हाँ बहन, मेरे को पता है वो हीरा है कहाँ और किसके पास रखा हुआ है। वो हीरा हमारे ही शहर के एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी हीरालाल हलवाई के घर में रखा हुआ है। प्लान तो तुम्हारा बढ़िया लग रहा है, पर तुम दोनों क्या करोगे मेरे साथ इस प्लान में? दीदी हम भी गुंडे बनेंगे ना आपकी तरह, डाकू डाकू। हाँ हम भी एक दिन के लिए डाकू बन के देख लेंगे। और दीदी अब तो आपके पास ना गधा है ना हॉर्स, और फिर हो जाएगी तेरे पास पोर्स, तेरे को सब पोर्स वाली डाकू बोलेंगे, पोर्स वाली डाकू, एक पोर्स तेरी एक पोर्स मेरी। और भाई मेरे पास तू कपड़ा मारियो। भाई साथ में भी तो बैठेगा तू अपने भाई के। ठीक है फिर इस प्लान को अंजाम देते हैं और फिर चलते हैं दुबई, लेकिन हाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब प्लान करेंगे ना प्लान। चलो फिर निकलते हैं। हाँ चलो चलो। बहन ये घर है उस हीरालाल हलवाई का,
जिसके पास वो हीरा है हीरा। अच्छा, लेकिन हम ऐसे दिन दहाड़े सरेआम इसे घर में कैसे घुसेंगे? अरे बहन, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस टाइम वो जिम गया हुआ है अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ। और जैसा मुझे पता लगा है, वो पूरे 2 घंटे जिम में लड़कियां तड़ता है, फिर वापस आता है। और जब तक वो वापस आएगा, तब तक हम हीरा चुरा के यहाँ से फरार हो चुके होंगे। और जब तक उसे पता चलेगा कि हीरा किसने चुराया है, तब तक हम जा चुके होंगे दुबई। तो चलो भाई, चलो। तेरी, मेरे को लगता है हीरा यही मिलेगा। इस कमरे में देखो कितने सारे ड्रॉर हैं, कितना सारा ताम झाम लगा रखा है, यही मिलेगा। काम करो, अब ड्रॉर में चेक करो। शुक्र है बच गए, वरना वो भूत निकाल देता हमारा आज मुंह। अरे ओ बेवकूफ, भूत भूत कुछ नहीं होता है। तुझे पता है मैं कैसी कैसी जगहों पे रही हूँ? खंडर में, जंगलों में, शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, पुरानी हवेली में, पुराने खाली घरों में। अगर भूत होते तो मुझे आज तक दिख नहीं जाते, मैंने तो कभी नहीं देखे भूत। हाँ दीदी एकदम सही बोल रही है, अगर वहाँ भूत होता तो वो हमें आने ही नहीं देता, वहीं मार देता। और अगर वो खुद होता तो अब तक हमारे पीछे पुलिस लगी हुई होती। पक्का कुछ ना कुछ चक्कर है इसमें। चक्कर जो भी हो, इस चक्कर का पता बहुत जल्दी लगाना पड़ेगा। हाँ, और इस गड़बड़ के बारे में सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन? अरे वो कौन? अरे वो क्या बोलते हैं उसको, उसका सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा कहाँ?
उसके घर मिलेगा। बात तो तेरी सही है। ठीक है तो फिर हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, चलो उसके घर। हाँ चलो। रुको उतारो मुझे। बहन देख, एक हम है जिसे पोर्स चाहिए और एक ये है जो हॉर्स बेच के सो रहा है। इसका तो मैं अभी जगाता हूँ। क्यों तुम और अंदर कैसे आए? कौन है हम? अबे डॉन है हम। तू हमसे पूछ रहे कौन है हम? अबे ओ इसको ना प्यार से सब डाकू नैंसी बोलते हैं। डाकू नैंसी? तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। अबे हमें पता है तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो हमें चाहिए उसके बारे में सिर्फ तू ही बता सकता है। तू एक बात बता, हीरालाल का सिक्योरिटी गार्ड है ना? हाँ तो? हाँ तो क्या, ये बता कि हीरालाल के पास जो एक बेशकीमती हीरा आया है वो कहाँ छुपा रखा है उसने? मेरे को क्या पता? बता रहा है नहीं? मेरे को पता है, पता बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। वहाँ पे एक मंदिर है बहुत बड़ा, मंदिर के ड्रॉर में रखा हुआ है। अच्छा, मंदिर के ड्रॉर में हीरा रखा हुआ है ताकि किसी का शक ना हो। कोई ना, वो तो अब हम उड़ा लेंगे। एक बात और, हम जहाँ भी देखते हैं ना हर जगह हीरा लाल दिखाई देता है, ये क्या चक्कर है? अबे बताओ। बता रहा हूँ, डरा क्यों रहे हो मेरे को? सेठ हीरा लाल ने इल्यूजन पैदा कर रखा है ताकि घर में कोई चोरी ना कर पाए। अच्छा तो ये सब वहम है। ठीक है, और तुम अगर किसी को बताया ना तो गोली मार दूंगा। जैसे सो रहा था वैसे ही सो जा। नहीं मैं सो रहा हूँ। तो सो जा, गुड नाइट। बहन मिल गया हीरा, कितना अच्छा लग रहा है। कितना खूबसूरत है, मुझे दिखा। मुझे भी दिखा दो। चुप कर, तू दूर से ही देख। जल्दी से चलो, फिर दुबई भी तो जाना है। हाँ जल्दी चलो, फिर मैं दुबई में जाके ले लूंगी अपनी पोर्शे और बन जाऊंगी पोर्शे वाली डाकू। सही बात है, चलो। असली वाला हीरा लाल आ गया। अरे बहन कहाँ से असली वाला हो गया, उस बॉडीगार्ड ने बताया था ना इल्यूजन है इल्यूजन। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा? रुको मैं इसको थप्पड़ मारूंगा, इसके थप्पड़ भी नहीं लगेगा। देखो बहन ये तो सच में असली है। डरो मत तुम लोग, मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हारी डाकू बहन। इन जैसे बंदों को मुझे पता है कैसे संभालते हैं। तुम्हारी बहन को आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा है। बहन ये तो बहुत ताकतवर है, एक काम करते हैं तीनों पीटते हैं। चलो सर जी हमें माफ कर दो, गलती हो गई। तुमको क्या लगा था तुम मेरे घर में से हीरा ले जाओगे और मैं तुमको जाने दूंगा, और वो भी इतनी आसानी से? बेटा ये तुम्हारी गलतफहमी है, और मेरी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बहन कुछ करना, कैसे बची? चुपचाप, मेरे पास एक प्लान है। हीरा लाल जी कैसा रहेगा अगर आप हमें मारने से पहले एक बढ़िया सा नृत्य देखो? अरे बहन पूछ क्या रही है, करके दिखाना। सही।
सही बात है, अभी आई। हो गया, बस इतना ही था। पीछे जाके खड़ी हो जा। भाई तेरी बहन ने जिंदगी में किसी के लिए नृत्य नहीं किया है, वो भी इतना बढ़िया तो कभी भी नहीं। बेइज्जती करवा दी मेरी। हाँ तो ये गंजा जाल में तो नहीं फंसा। रुक, मेरे पास है ना एक और आइडिया, पकड़। तो हम गए ये नियाने वाला चक्कर में। अरे वाह, अब तो तुम लोगों को मारने में मजा आएगा, मेरा मनोरंजन भी हो गया। अरे चुप कर, रुक जा। मेरे पास ना एक जबरदस्त प्लान है, मुझे पता है कि इसको कैसे कंट्रोल में करना है, तू ये पकड़। अरे भाई यार, तुम लोग कहाँ आए हो? कहाँ वो हीरा लाल जी? बॉडी देखो, क्या बॉडी है, क्या हेयर स्टाइल है, क्या लुक है, और कितने ताकतवर है। कहाँ तुम पतले दुबले से, ये देखो तोंद निकल रही है, ऐसे कैसे लड़ोगे तुम उनसे? जरा देखो तो उन्हें, वो कितने ताकतवर है। अगर मैं इन्हें बोलूंगी ना कि अपने आप को चाटे मारो, मार देंगे, इन्हें कुछ होएगा ही नहीं। हाँ, सच्ची। और क्या, अभी दिखा देंगे। हीरा लाल जी जरा दिखा दो इन बच्चों को। वाह क्या बात है, कंटिन्यू कर, कंटिन्यू। वाह देखा, सच कहा था ना मैंने। अब देखो, अगर हीरा लाल जी को मैं यूं कहूंगी ना कि अपना सर दीवार पे मारे, तो भी उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं ये तो नहीं करेंगे। अरे यार तुम लोग बिना डाउट कर रहे हो हीरा लाल जी पे। सर इन्हें करके दिखाओ जरा। अरे भाई साहब, सिर है या पत्थर? बहन चढ़ा चढ़ा चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। अगर मैं इनसे कहूँ हीरा लाल जी से कि 3-4 बार जोर जोर से अपना दीवार पे सर मारे, तो भी नहीं टूटेगा, स्टील का बना है, स्टील का। हाँ, मुझे तो नहीं लगता। अरे यार तुम लोग बिना बच्चों वाली बातें कर देते हो। सर दिखाओ यार इनको, दिखाओ। गई भैंस पानी में। देखा तुम्हारे डाकू बहन कितनी तेज है। अब ये हीरा हुआ हमारा। बहन जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, फिर हमें दुबई भी तो जाना है, तो टिकट्स भी तो करवानी है। चलो एक मिनट, मेरे को ये हीरा हल्का हल्का से क्यों लग रहा है? असली है ना ये? क्या बकवास कर रहा है भाई, मैं चेक करता हूँ। ये तो प्लास्टिक का है क्या? हाँ। इसका मतलब शेठ हीरालाल ने हमारा खुद बनाया है। ये तो गड़बड़ हो गई, अब हीरालाल तो हमारे पीछे भागी गई, पुलिस भी हमको नहीं छोड़ेगी। अब तो हम तीनों गए भाई। मेरे पीछे तो पहले से ही पुलिस पड़ी थी, अब तुम दोनों के साथ भी पड़ जाएगी। बहन तू तो डाकू थी, अब दोनों भी चोर बन गए। पुलिस भागो, चलो भागो।